सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने स्टडी सर्कल 247 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप भी प्रतिदिन कुछ नया नया सीख सकें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? ए मद्रास में, बी पटना में, सी लखनऊ में और डी कलकत्ता में। तो इसका सही आंसर है सी लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजन लखनऊ में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड पे चलते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा, ए रांची, बी अलीपुर, सी बलिया और डी चंपारण। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ए जयश्री, बी अहल्या, सी मणिकर्णिका और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन ए खान बहादुर खां, बी रानी रामकुमारी, सी कुंवर सिंह और डी तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर है सी कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी दत्त सुभाष चंद्र, सी बनर्जी आरसी और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर है डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ही ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? ए रफ़ी अहमद किदवई, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी अब्दुल कलाम आज़ाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी श्रीमती नेली सेनगुप्ता, सी अरुणा आसफ अली, डी श्रीमती एनी बिसेंट। तो इसका सही आंसर है डी श्रीमती एनी बिसेंट। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बिसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ए 1910 में, बी 1912 में, सी 1921 में या फिर डी 1947 में। तो इसका सही जवाब है बी 1912 में। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए विपिन चंद्रपाल, बी महात्मा गांधी, सी अरविंद घोष और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
ए सी आर दास ने, बी सुभाष चंद्र ने, सी अरुणा आसफ अली ने और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इसका सही आंसर है डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विद्रोह के बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होता है। इसका जवाब आपको देना है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ए वल्लभ भाई पटेल, बी विपिन चंद्रपाल, सी शिवजी और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जवाब आपको नीचे कमेंट में देना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।